नमस्कार जैसा कि आपको पता है कि एस एस सी का जो एग्ज़ाम होगा वो अक्टूबर नवंबर में आपका कंडक्ट करवा दिया जाएगा ठीक है दूसरी चीज़ जो जनरल अवेयरनेस रहती है उसमें टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से अगर कोई 30 स्कोर कर पाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है बिकॉज काफ़ी टफ जी देखने को मिलती है एस एस सी के अंदर अब ये दो से ढाई महीने का जो टाइम बीच में आ रहा है इसको कैसे मैनेज किया जाए है ना क्योंकि ज्यादा फोकस तो इंग्लिश की तरफ जा रहा है क्योंकि हंड्रेड क्वेश्चन की वेटेज तो वही रख रहा है है ना और अगर जीएस को छोड़ दिया तो फिर तो वो बहुत बड़ा गैप ला देता है देखो इंग्लिश जो होता है ये आपका स्कोर बूस्ट करने के लिए होता है है ना बट आप किस रैंक पे आएंगे या फिर आपको सिलेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये जीएस का बहुत बड़ा रोल होता है जीएस में अगर कोई दो तीन नंबर भी आगे पीछे हो जाता है ना रैंक का इतना बड़ा डिफरेंस निकल के आ जाता है

टोटल एटीन क्वेश्चन स्ट्रैटिक जीके से आपको लग रहा है स्ट्रैटिक जीके बहुत ईजी होगा बट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटिक जीके ही है जो चीज़ किसी में भी नहीं आती है ना वो स्ट्रैटिक जीके का पार्ट बन जाती है और वो कैसे भी हो सकता है कितना भी कहीं से भी कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है उसको अटैम्प्ट करना जरूरी हो जाता है क्योंकि जीएस के अंदर स्कोर नहीं किया ना तो फिर मैं ऑब्वियसली आपको बता चुकी इस बारे में हिस्ट्री के आपको सेवन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम तो. के अंदर साइंस के अगेन सेवन साइंस भी अच्छा रोल निभा रही है और इसको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है किस तरह के क्वेश्चन आएंगे हर चीज़ के ऊपर आपको पता होना चाहिए कहाँ से पढ़ना है कैसे पढ़ना है अभी बताऊँगी कैसे पढ़ना है कहाँ से पढ़ना है इकोनॉमिक uh, के सिक्स क्वेश्चन ज्योग्राफी फाइव क्वेश्चन करंट अफेयर फाइव पॉलिटी टू ये टोटल फिफ्टी क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा टोटल अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो थर्टी इज़ अ गुड स्कोर यस सीरियसली आई एम टेलिंग यू थर्टी इज़ अ गुड स्कोर अगर आप कोई आपसे ऐसा कह रहा है कि नहीं आप 40 स्कोर कर लेंगे 45 स्कोर कर लेंगे पहली बात तो दो ढाई महीने के अंदर 30 स्कोर करना बहुत बड़ी बात है इसके लिए आपको एक भी मिनट अपना वेस्ट नहीं करना होगा आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कहाँ से कैसे और कहाँ से पढ़ना है कितना पढ़ना है सब कुछ आपको पता होना चाहिए इसके लिए क्या लगेगा आपका टाइम इन्वेस्ट होगा चलो कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर ले जिसके लिए ये वीडियो ऑब्वियसली बनाई गई है जो कि आप थंबनेल से भी देख चुके हैं इंट्रोड्यूसिंग यू दी जनरल अवेयरनेस बैच फॉर एस एस सी स्टैनो टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ये बैच क्यों लाया गया है देखो मैं स्टैनो का बैच के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ अनाउंसमेंट भी बताया और पर मैं डिटेल वीडियो भी चाहती थी मैंने एस एस एम टी एस का बैच लाया ठीक है अब मुझे पता है कि मैं मेरे जो चैनल पर दो तरह के ऑडियंस आती हैं मेजरली एस एस सी एम टी एस के लिए और स्टैनो के लिए अब मैं सिर्फ एम टी एस एम टी एस के लिए करूँ तो स्टैनो वालों को क्या होगा है ना इसीलिए दोनों ही चीज़ों की आप पहले ना बोले कि मैम इसका बैच कब लाओगे सिर्फ एम के लिए ही इसीलिए पहले से ही इस बारे में मैंने सोच लिया था कि लाऊंगी तो सिर्फ दोनों के लिए लाऊंगी ठीक है आपको प्राइस जो इसका देखने को मिलेगा वो थ्री नाइन्टी नाइन देखने को मिलेगा इसकी जो बैच की शुरुआत होगी वो सोलह अगस्त से होगी ठीक है इंडिपेंडेंस डे पतंग पतंग उड़ाइए मस्ती कीजिए फैमिली के साथ फिर सोलह तारीख से सिंसियर होकर बैठ के पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो जी के ऊपर भी कमांड बनानी पड़ेगी पॉइंट ये जी एस को थोड़ा ही टाइम देंगे मतलब कि मैं जो वीडियो को कंटेंट प्रोवाइड करूँगी उससे एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना होगा सब चीज़ मेरे ऊपर डालना मैं रखूँगी उसे अपने पास मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी डेली आपको कितना ज़्यादा कंटेंट देना है कितना देना है बिकॉज मुझे पता है कि आपको इंग्लिश के ऊपर भी टाइम देना है रीजनिंग के ऊपर टाइम देना है जीएस को कितना टाइम देना है वो मेरे ऊपर होगा आपको जो भी बैच के थ्रू पढ़ाया जाएगा आप उसी को पढ़ेंगे उसके आगे नहीं पढ़ेंगे और आपको अपना स्कोर खुद ही देखने को मिल जाएगा ठीक है हम सोचेंगे कि आपके लिए फुल मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करें एप्लीकेशन के ऊपर उसके ऊपर काम जारी है क्योंकि अभी ही हमारा जो बैच का काम है वो चल रहा है और दूसरा हम बाकी चीज़ों के ऊपर भी काम कर रहे हैं ठीक है तो उसके ऊपर बात करेंगे आपको जैसे ही आप बैच ले लेंगे ठीक है आपको कशिश कश्यभर कार्टून पर जाना है आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन या फिर आपके पिन कॉमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा आप डायरेक्टली वहाँ जा सकते हैं ठीक है प्ले स्टोर पर रिव्यू भी डाल देना और दूसरी चीज़ आप जैसे ही जाके बैच वाले सेक्शन में पेट कोर्सेस वाले सेक्शन में जाएंगे या फिर आपको होम स्क्रीन पर ही डायरेक्टली दिख जाएगा आप जाकर स्टैंडो का बैच लीजिए थ्री नाइन्टी रहेगा आपको लेते ही आप कंटेंट सेक्शन में जाएंगे ना उसी के तो आपको प्राइवेट ग्रुप मिल जाएगा उसमें क्लिक करेंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड हो जाओगे डायरेक्टली वो किस लिए देखो आपका कंटेंट कभी ना कभी खत्म होगा उसके बाद मैं आपके साथ किस तरीके से कांटेक्ट में रहूँगी ठीक है आपके कोई भी डाउट हैं आपको किस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करना है जो चीज़ आपके लिए यूजफुल होगी एग्जाम के लिए वो उसके थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा बिकॉज मेरा काम सिर्फ आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करना नहीं आपके साथ उस सफर तक भी जुड़ना है जहाँ पर आप आगे जा रहे हैं है ना इस प्राइज अभी हमने इसका जो प्राइस है वो थ्री रखा है बट जैसे हमारे देखो एक क्राइटेरिया हमने मेंटेन किया है क्योंकि हम इसका प्राइस बढ़ाने के सोच रहे थे बिकॉज आपको पता है कि काफ़ी अच्छा सिलेबस देखने को मिलेगा और कम टाइम में इतना बड़ा सिलेबस कवर करवाने की बहुत बड़ी बात होती है ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होगी है ना बट हमने प्राइज इतना रखा है बट हम इसको बढ़ाएंगे ठीक है तो अगर आप पहले ही जाके बैच खरीद लेते तो आपके लिए बहुत सेव है जाइए खरीद लें और बस रख दीजिए सोलह तारीख को मिलेंगे डायरेक्टली क्लासेस के अंदर है ना और दूसरी चीज़ जो आपके लिए ये होगी क्या बीच में ये जो बीच का टाइम है इसमें मौज मस्ती करिए थोड़ा बहुत अपना इंग्लिश के ऊपर रीजनिंग के ऊपर ध्यान देते रहिए जो भी आप उस की प्रैक्टिस वगैरह करते हैं शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करते हैं वो कर सकते हैं और उसके बाद सोलह तारीख के बाद जीएस के लिए सिर्फ आप मुझे ही फॉलो करेंगे मीन्स बैचेज में जो क्लासेस दी जाएंगे उसी को देखेंगे और उसके अलावा आपको कहीं भी कुछ सोचना नहीं पड़ेगा आपका टाइम टेबल डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके से भी होगा वो आप अपने हिसाब से कर पाएंगे ठीक है क्योंकि जे एस बहुत ज्यादा होता है कि कहाँ से पढ़ना है कौन सी यूट्यूब वीडियो से करें हर चीज़ में हम प्रोवाइड करेंगे आपको और पढ़ाएगा कौन ऑब्वियसली मैं पढ़ाऊंगी तो जाइए बैचेस इसको ले लीजिए डायरेक्टली प्राइस बढ़ने से पहले ही हंड्रेड स्टूडेंट जैसे ही हमारे कंप्लीट होंगे हम उसका प्राइस बढ़ा देंगे ठीक है ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं ऑब्वियसली हंड्रेड रुपीज़ का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा बट हंड्रेड रुपीज़ भी काफ़ी है ठीक है जो चीज़ अभी आपको चार सौ रुपये में मिल रही है वो आपको पाँच सौ रुपये की हो जाएगी अगर हम आप इसे थोड़े दिन में बांध लेते तो कोशिश कीजिए कि जाते ही जिस टाइम आप इस वीडियो को ले रहे हैं और जाके बैच खरीद लीजिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने बैच जो है वो ले लिया वैसे आप ग्रुप में रहेंगे तो ऑब्वियसली आप सबके नाम मेरे दिमाग में रहेंगे कि किस किसने लिया है और किसने कौन मेरे साथ कॉन्टैक्ट में है तो वो चीज़ रहेगी हम एग्जाम तक साथ में कांटेक्ट में रहेंगे कोई भी क्वारी होगी कोई भी डाउट होगा वैसे कि आपको पता है कि मैं हर चीज़ को डिटेल में पढ़ाती हूँ बेस बनाते हुए और ज़्यादा और ये भी नहीं कि वीडियो की लेंथ ज़्यादा करती है ना उनसे देखो उनका बैच लीजिए मैं ये नहीं कह रही सिर्फ मेरे ही लीजिए उनका बैच लीजिए जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट है टीचर के ऊपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठा लेंगे आपको वो कंटेंट देंगे जो आपके एग्ज़ाम में यूजफुल होगा अच्छा इस चीज़ को ऐसे समझिए दो ढाई महीने बचे हुए हैं ठीक है आपको एग्ज़ाम को आने में अगर मैं इस बीच में आपको एक ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करने लगूँ जो कि डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे की वीडियोस होंगी क्या वो अच्छा टाइम रहेगा मुझे तो ऐसी चीज़ प्रोवाइड करनी होगी ना जो कम टाइम में हो जाए है ना पॉइंट तो यहाँ पे यही है कम टाइम में बट ऐसा कंटेंट जो डायरेक्टली यूज़फुल होगा स्टैमों के लिए यही चीज़ तो होगी अगर आप ये सोच रहे हैं कोई किसी बैच के अंदर आपको बहुत सारा कंटेंट पढ़ा दे आपको लगेगा कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग एक्चुअली मेरी बेस्ट थिंग नहीं होगी क्यों क्योंकि आप उसको रिविजन दे पाएंगे आपको बाकी चीज़ें भी तो मैनेज करनी होंगी उस बीच में कैसे होगा इसीलिए कंटेंट ऐसा कम भी पढ़ना पड़े और डायरेक्टली एग्जाम के टारगेट करता हो और क्या चीज़ है ये चीज़ जो हम कर पाते हैं ये इसलिए कर पाते हैं क्योंकि स्टैनो का हमने एनालिसिस किया है पी वाई क्यू का पी वाई क्यू तो अकेले गाइड होते हैं जो हमको गाइड करते हैं कि किस तरीके से आपका बैचेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, है ना बैचेस बोले या फिर आपका टॉपिक्स बोले उस तरीके से कैसे आपको मिलते हैं तो उसी हिसाब से इस पूरे बैच को डिज़ाइन किया गया है इसीलिए आपको एक टारगेटेड वीडियो मैं प्रोवाइड करना चाहती थी ताकि अगर आपको कोई भी ऐसी क्वेरी हो तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं वैसे क्वेरी कुछ खास आएगी नहीं आपको 16 तारीख से हम डायरेक्टली वहाँ मिलेंगे क्लासेस आपकी कंडक्ट की जाएंगी प्राइवेट ग्रुप का एक्सेस आपको मिल जाएगा ठीक है और ये प्राइवेट ग्रुप से उन्हीं को मिलेगा जो बैच खरीदेंगे बैच खरीदने के बाद ही आपको एक्सेस होगा क्योंकि हमने ये प्राइवेसी को मेंटेन किया है अपनी एप्लीकेशन के अंदर आप कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप एप्लीकेशन के ही हेल्प सेक्शन में जाएंगे वहाँ पर आप क्वेरी लिखेंगे और डायरेक्टली मेरे पास आएगी ठीक है वो उसका क्वेरी का रिप्लाई मैं दूंगी डायरेक्टली बाकी हमारी टीम भी है बट जो क्वेरी वगैरह होगी वो सेक्शन मैं संभालूंगी मुझे पता होना चाहिए स्टूडेंट को क्या क्वेरी हो रही है टीम को जान के कुछ नहीं होने वाला है मुझे पता होना चाहिए अगर उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो उसके ऊपर हम ज्यादा काम करेंगे ठीक है कोई ऐसे टॉपिक जैसे पॉलिटिक के अंदर होते हैं बहुत सारे अमेंडमेंट होते हैं बट मुझे कौन से पढ़ाना है मेरा अगर मोटिवेशन हो चाहिए मैं आपको पंद्रह अमेंडमेंट दे दूँ बोलूँ कि इनको याद करो ना कि मैं आपको चालीस पचास प्रोवाइड करूँ इंपॉर्टेंट अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो मैं कुछ कुछ आर्टिकल्स का आपको पीड़ि बना के दूँ या फिर मैं आपको समझाऊँ है ना जो फास्ट तरीका होगा हम उसके ऊपर ही जाना जरूरी है क्योंकि दो से ढाई महीने में आपको कैसे मैनेज करना है ये सबसे ज्यादा टफ काम होगा का। स्ट्रेस यही इस वाले पीरियड में ही सबसे ज्यादा बनता है बाकी अपने शॉर्ट टर्न के ऊपर भी ध्यान देते रहिए यही डिटेल मुझे आपको बतानी थी बाकी सीरीज डिटेल आप ऐप में जाके ना उसके फीचर्स वाले सेक्शन में भी देखेंगे आपको सबसे समझ आ जा जाएगी ये एस 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 टेन ऑफ को ही टारगेट किया जा रहा है मतलब ये बैच दो महीनों के अंदर ही खत्म हो जाएगा और किस तरीके से वो काम होगा वो मेरे ऊपर छोड़ना आपको मिलते हैं फिर ऑब्वियसली हमारे बैच में मिलेंगे कमेंट में करके बताना भी कि आपको बैच आपने लिया या नहीं लिया आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और जाके प्ले स्टोर पर भी रिव्यू डाल देंगे तो बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में राधे राधे